लिखेगा, छठी से लेकर बारहवीं तक का बच्चा अगर समझ गया तो हिंदुस्तान समझ जाएगा, वरना जो ये युवा शक्ति का वेग है, और अगर ये गलत दिशा में चले गई, अगर ये आतंकवादी के चंद में बस गई, अगर ये नशे के चंद में बस गई, ना सुहाग रहेगा, ना देश रहेगा, ना माँ बाप रहेंगे, ना गुरु रहेगा, और आने वाला समय इतना भयावह हो जाएगा कि दया करुणा तो भूल जाएगा, हम अपने परिवार को भी भूल जाएंगे, और तब कहेंगे कि हम भारतवर्ष के निवासी युवा राष्ट्र के। अभी भी वक्त है, कोई बदले न बदले, कोई दोस्त बदले न बदले, अपने आप को बदलिए। गलती से अगर दोस्तों के साथ कभी कुछ कर दिया हो तो फिर हाथ जोड़ रहा हूँ, एक संकल्प लीजिए हमारे बच्चों के सामने, मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगी, लेकिन मैं जीवन में व्यसन नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति व्यसन नहीं करता है वो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पित होता है, जिसके अंदर व्यसन नहीं होते उसके अंदर दया करुणा होती है, वो गरीबी अन्न समझता है, और वैसे जो व्यक्ति होता है बता कोरोना काल देखा होगा लोगों के पास करोड़ रुपया था लेकिन बुखार लेने के लिए उनके बच्चे तक होंगे, ऐसे देशों का दिल क्या करेंगे। आज देखिए बड़े बड़े घरों में जहाँ पैसा तो बहुत कुछ है लेकिन गुलाब में वो भी माँ बाप जो है राशि निकालोगे, आज दारू माला से लेकर कई जगह जाइएगा, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिन माँ बाप ने भूखे प्यासे रह के चाहे वो अमीर घर का हो गरीब घर का हो, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच रहे हैं,